बिग बॉस के एपिसोड्स देखे हुए एक जमाना हो गया, यानी 2 से 3 हफ्ता तो हो ही चुका है कि मैंने वीकेंड का वार तक नहीं देखा है। हाँ, एक टाइम के बाद से सिर्फ वीकेंड का वार देखता था, वो भी सिर्फ सलमान खान की वजह से, कि जब वो क्लास लेते हैं तो सबसे ज्यादा मजा आता है देखने में, तो भाई इस वजह से वीकेंड का वार देखा करता था, लेकिन भाई वो भी बंद। बीच में इंटरेस्ट आया था हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर की वजह से, मतलब जो बिग बॉस में घुसे पड़े थे और उनका कहना था कि यहां से निकलूंगा तो मैं 2022 और 23 में इलेक्शन लड़ूंगा पीएम के लिए। तो भाई उस बंदे के वजह से बिग बॉस देखने में थोड़ा ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि उसकी बकचोदियों की लेवल जो थी ना वो बहुत हाई लेवल की थी, तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेकर के आया कि भाई इस झंडू के वजह से तो देख ही लूं बिग बॉस। बट अब भी जैसे मैं प्रमो देखने की कोशिश किया यूट्यूब पे, तो भाई पता चला कि भाई बिचुकले नहीं है, और निकलने के बाद में भाई साहब को जगह जगह पे रोक करके ये पूछा जा रहा है कि आप बिग बॉस के घर से क्यों निकाले गए। और यकीन मानो इन्होंने स्वामी ओम का जो एक लेवल था ना वो भी क्रॉस कर दिया है। मैं प्रेस बुला करके मैं बताएगा बिग बॉस में क्या चलता है। अरे बिग बॉस को जो है ये मानना पड़ेगा, मेरा एहसान मानना पड़ेगा कि मैं था बोल करके बिग बॉस में जो टीआरपी आया है। देखो यार, दुनिया में जो है ना बहुत सारे इंसान को अपनी जिंदगी में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, पर ऐसा लगता है कि उन लोगों का जो कॉन्फिडेंस का हिस्सा था ना वो ये लोग चुरा करके बैठे। यानी जिस इंसान को सच्ची में कॉन्फिडेंस की जरूरत है, जो सही कॉन्फिडेंस मिलने पे जो है वो लाइफ में कुछ कर सकता है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन इस बंदे के अंदर में भाई जो कहां से लाते हैं ये, हाँ मतलब मानना पड़ेगा। और ऐसे कंटेस्टेंट को देखने के बाद में ये समझ में आता है कि बिग बॉस एग्जैक्टली किस लिए एक एक कंटेस्टेंट को लेकर के आता है, और उनकी क्रिएटिव टीम कैसे कैसे पर्सनालिटी को ढूंढ करके निकालती है। नहीं, मैं आज भी कंफ्यूज हूँ यार। देवोलीना जो एक बार चुम्मी का लेकर के इशू बना बैठी थी, वो मैडम उसके साथ में रोमांस कर रही है, उसके लव लेटर को पढ़ रही है, उसको अपना सांता क्लॉज मान रही है। वाह, यही है बिग बॉस। फाइनली जो है इस हफ्ते बिग बॉस खत्म होने वाला है और आपको विनर पता चल जाएगा कौन है। सबसे ज्यादा चुतिया चीज तो मुझे ये लगा कि जय भानुशाली जिस एटीट्यूड से आया था और जो सोच करके बिग बॉस उसे लाए थे, आज शायद लोग भूल भी गए कि जय भानुशाली भी आया था और वो एज अ विनर सामने में पोर्ट्रे किया जा रहा था।